हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं मेथी का पराठा। ये मैंने मेथी धोकर काट कर अच्छे से साफ कर ली है। ये है गेहूँ का आटा, ये नमक, ये हल्दी पाउडर, ये है अजवाइन। आइए हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। फिर मैंने इसमें डाली है एक बाउल कटोरी आटा डाल दिया है मैंने, और इसमें मैं डालूँगी अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसमें डालूंगी दो चुटकी हमारा लगभग अजवाइन। अजवाइन ठंडियों में खाना हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, लाभकारी होती है। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसमें हम डालेंगे मेथी, जो कर मैंने पहले से ही धोकर काट कर रख लिया था। अब इसमें मैं ये पानी से इसे भून लूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मेरा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। मैंने तावे को भी गर्म होने को रख दिया है। अब ये गर्म हो रही है, तब तक मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। इसका एक छोटा सा टुकड़ा कर कर ऐसे बेलर के आकार में, फिर जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, मैंने रोटी भी बेल ली है। अब इसमें सेकूँगी, उल्टा पुल्टा कर हर तरफ से सेक लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारा रोटी सेक चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। हमें पराठा बनाना है तो तेल तो लगाना ही होगा। अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रही हैं तो आप इसमें मिर्ची का भी टुकड़ा काट काट कर डाल सकती हैं। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली है। ये आप देख लें, उनके लिए बना रहे हैं। मेरा तेल डालकर अच्छी तरह से, तो ये हमारा मेथी का पराठा बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते इस तरह तो आप उसमें ये जेम लगा कर दे सकती हैं उन्हें, इस तरह से इस रोटी में जेम फैला दें। और एक रोल बनाकर काट कर आप लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकती हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो लाइक पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अपना विचार जरूर हमें लिखकर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।